हजरत ने कहा देगा बेकार हुए सीधे एक कुछ कशमकश पैदा हुई चलने लगे हजरत कहां जा रहे शराब खाना अरे हजरत आपकी शख्सियत वहां नहीं मैं जाऊंगा चुनाव देख रहे बाहर खड़े हुए आवाज दी बेशर 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 आओ तुम के तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह ने पैगाम भेजा ये सुनना था हाथ में गिलास था अभी शराब पी नहीं थी अल्लाह अल्लाह जिसके दिल में पाल आ जाती अल्लाह उसके शराब से दूर होता है अभी शराब पी नहीं थी पीने भी जा रहे थे इतने में नबी का नाम सुना एकदम से चीख उठी और मैं लगता है मेरी निगाह का वक्त करीब आ गया शराब का गिलास जमीन पर पड़ा बाहर आए हजरत हसन ने फरमाया बेशक रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है ये मुस्तफा सुनाया है हजरत ने फरमाया हजरत मुझे तौबा करा दीजिए और उसी वक्त हजरत के हाथों पर बैत हो गए मेरे भाइयों आप लोग भी किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक रखो अल्लाह वाले से बैत हो जाओ और ये जरूरी नहीं कि कारी खली साहब तशरीफ लाएंगे हजरत कारी सिद्दीक साहब चले गए अपने जैसा छोड़कर नहीं गए हजरत आंखों से अल्लाह का नूर जमीन पर देखना शुरू कर दिया चप्पल जूता पहनना तब कर दिया अब जूते नहीं पहनेंगे अब चप्पल नहीं पहनेंगे लेकिन अल्लाह का नूर नजर आता है हाथी माने पैदल चलने वाला बगैर चप्पल पहने चलने वाला बिशर है हाथी नंगे पैर चलने वाले लेकिन अल्लाह ने बिचारों को उससे वादा कर लिया देखो बिशर मेरा वली है बिशर मेरा मुकर्रब है चलता है ऐ जानवरों ऐ बकरियों ऐ ऊंटों तुम लेनी नहीं करोगे मेरे पिशर के रास्ते में बकरियों तुम लेनी नहीं करोगे मेरे पिशर के रास्ते में ऐ भैंस भैंस और गायों तुम गोबर नहीं करोगे मेरे बली के रास्ते में चुनाचे जब तक हजरत जिंदा है किसी बकरी ने जिन रास्तों पर पिशर गुजरते थे लेनी नहीं किसी ऊंट ने लेनी नहीं इतना मकाम मिला एक दिन बिशर हाफिर हजरत हसन बसरी एक ये मौजूद थे देखा बकरी ने मेघनी करना शुरू कर दी भैंस ने गोबर करना शुरू कर दिया बिशर हाफिर के रास्ते में हजरत चीख पड़े लोगो अल्लाह का वली बिशर हाफिर दुनिया तो हजरत आपको कैसे मालूम कोई खबर नहीं आई कोई खबर नहीं आई फरमाए नहीं आ रही खबर अल्लाह ने थोड़ी देर के बाद बिजली की तरह खबर आम हो गई हजरत बिशर हाफी दुनिया से रुखसत हो गए तो हजरत बिशर हाफी ऐसा शराबी उसके दिल में पहाड़ में आसमान पैदा हो जाए वो बली चुल्ला बन जाए बलियों का सरदार बन जाए बलियों का बादशाह बन जाए अगर हम और आप कोशिश करें हम आपको लवली नहीं बना देगा वही अल्लाह अपनी पूरी कुदरत के साथ आज भी मौजूद है जो कल अल्लाह था वही अल्लाह आज भी मौजूद है और अगर कुरान करीम के हाथ में बैठो यार अरे बैठो यार बोलते हैं मतलब